So let's take question number 305. So this from Davos. This question has been asked in IIT 2012. Okay, so let us see. First of all, let us understand the question. What is the question? For all n, an and bn belongs to R. It means an and bn both are real numbers. Second thing, f is defined from R to R. So function f of x jo hai, iska domain real numbers hai, iski range bhi real numbers hai. And function is defined as f of x is equal to an plus sin pi x. For x belongs to this interval, and it is bn plus cos pi x for x belongs to another interval. And both of these two intervals are mentioned in terms of n, where n belongs to z. So that has been mentioned in the question. So that is for all n belongs to z. Now, in this case, if f is continuous, then which of the following does not hold for all n? Sabhi n ke liye, kaun sa? इन चारों में से कौन सा रिलेशन है कि जो होल्ड नहीं करता है दैट वी नीड टू फाइंड आउट क्लियर. अब यहां पर सबसे पहले तो एक चीज को समझिए कि जो फंक्शन लिखा है इट इज गिवन इन समवॉट डिफरेंट फॉर्म. जैसे हमें आदत नहीं है, हम जब भी फंक्शन लिखते हैं ऑलवेज वी राइट इट डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना. हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर फंक्शन में लिखूं तो फंक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं from 0 to 2, फिर आगे लिखते भैया from 2 to 3, like this. It means what? We start from the lesser number then move to the greater number. Real number line पर ऐसे होता है, 0 से पहले 2 जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 2 से 3 जाएगा, ऐसे होगा ना. तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है और सबसे बड़ा नंबर इधर है, remember. ठीक, तो यहाँ पर जो function defined है जो उन्होंने दिया है बस जस्ट राइटिंग का डिफरेंस है, बट वो राइटिंग का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है हमें समझने के लिए, क्योंकि इंटरवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर आगे बढ़ रहा है. हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए इसी तरीके से लिखनी है. आईआईटी का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के दे देंगे, उल्टा सीधा कर देंगे कुछ, ये क्वेश्चन उसी तरीके से. यहाँ पर चेंज ओवर पॉइंट कौन सा है, जैसे हम देखते हैं चेंज ओवर पॉइंट कौन सा है, टू. ये कहाँ पर आता है, फर्स्ट इंटरवल एंड होता है और दूसरा इंटरवल स्टार्ट होता है. यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर उल्टा है, टू एन इधर है और इधर है. तो मैं फंक्शन को पहले ठीक से लिख लेता हूँ, मतलब लोअर से फिर हायर की तरफ जाएगा. तो इन दैट केस इफ आई हैव टू राइट डाउन द फंक्शन देन इस तरीके से पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फिर हम समझ पाएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ. अब ये फंक्शन में इस तरीके से लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला जो है, क्योंकि लोअर कौन सा है, सबसे कम इसमें कौन है, सबसे कम ये है 2n माइनस 1, फिर आएगा 2n, फिर आएगा 2n प्लस. ठीक है, तो ये मैं पहले लिखता हूँ f of x is equal to bn plus cos pi x. So this is for x belongs to 2n minus 1 comma 2n and this is equal to an plus sin pi x. X belongs to closed interval 2n, 2n plus 1. Again, it is a closed interval. यहाँ पर दोनों भी जगह पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर दोनों भी जगह पर क्लोज इंटरवल. अब सबसे पहले तो जो सिंपल सिंपल अपना है उसे हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन क्या बोला है. फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट मीन्स चेंज ओवर पॉइंट कौन सा है, चेंज ओवर पॉइंट हमारा है 2n. 2n पे फंक्शन क्या हो रहा है, 2n पे फंक्शन चेंज हो रहा है. So, we'll check the continuity at x is equal to 2n. We'll check the continuity at x is equal to 2n. Now, this case mein kya hoga? The limit extends to ya ke limit aur function ke language mein hum directly le sakte hain. Utility ki limit extends to 2n. Limit extends to 2n. F of x is equal to f of 2n. लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू टू एन सेम रहेगी. ठीक, और फंक्शन की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, लिमिट की वैल्यू कहाँ से लेनी है. देखिए जो फंक्शन लिमिट की जो वैल्यू होगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू टू एन, इसके लिए एफ ऑफ एक्स कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला. लिमिट के केस में हमेशा क्या लिखते हैं हम, जो लेस देन है ना, यहाँ पर लेस देन है तो दिस इज लिमिट,
और यहाँ पर इक्वल टू है, क्लोज इंटरवल है ना, इसका मतलब इक्वल टू है. सो दिस इज फॉर फंक्शन, दिस इज फॉर लिमिट एंड दिस इज फॉर फंक्शन, क्योंकि टू एन लेस देन है ना. तो यहाँ पर जो है ओपन इंटरवल है तो लिमिट के लिए, और जो क्लोज इंटरवल है मतलब इक्वल टू है तो फंक्शन के लिए होगा. तो लिमिट के लिए हमने यूज किया पहला वाला फंक्शन, दैट इज बी एन प्लस कॉस पाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू एन. मतलब ये जो फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स है, इसमें एक्स की जगह पर हमें लेना है टू एन, ठीक है. ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पर हमें लेना है टू एन, फंक्शन के लिए नीचे वाला लेना है. तो दिस इज ए एन प्लस साइन पाई एक्स, मतलब पाई इंटू टू एन, ठीक. अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्ट मेथड से लिमिट निकलेगा, एक्स इंटू टू एन है तो एक्स की वैल्यू टू एन रख देंगे यहाँ पर, देन इट विल बिकम बी एन प्लस कॉस टू एन, एक्स की जगह पर क्या लेना है टू एन, सो पाई इंटू टू एन, सो इट इज कॉस टू एन पाई, विच इज इक्वल टू कोई वेटिंग में तो नहीं है ना, ठीक है. सो लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्ट लिमिट हमने यूज किया बी एन प्लस कॉस टू एन पाई हो गया, और वही राइट हैंड साइड पर क्या हुआ बी एन प्लस साइन टू एन पाई हो गया. अब हमें कॉस टू एन पाई और साइन टू एन पाई की वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगी, ठीक है. 2n पाई जो एंगल है 2n पाई, मतलब दिस इज 2n मतलब इवन पाई, 2n मतलब क्या होता है इवन पाई, सो इट इज विच एंगल, ये होता है इवन पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई इन शॉर्ट 2n पाई, दिस इज इवन पाई. तो ये वाला एंगल है मतलब कि 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 होता है, सो इट बिकम्स bn प्लस 1 इक्वल टू साइन 0 डिग्री 0 होता है, सो इट बिकम्स an प्लस 0, 2n पाई मतलब दिस एंगल 0 डिग्री इवन पाई. इस यहां से हमें क्या मिल जाएगा an, ठीक है, bn उधर गया तो क्या माइनस bn इज इक्वल टू व्हाट इधर ये 1. सो एक रिलेशन हमें यहां पर ये मिल गया, मतलब कि ऑप्शन सी आपका जो है ये ट्रू है. हमें ढूंढना है डज नॉट होल्ड टू, क्या डज नॉट होल्ड, घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी को बोलते हैं JEE IIT लेवल का. ये तो सीधा सीधा आंसर आपको एक मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी आंसर है इन तीनों में से, इन तीनों में से कोई एक आंसर वैलिड नहीं, इन तीनों में से कोई एक आंसर वैलिड नहीं है, वही हमें ढूंढना है डज नॉट होल्ड. तो ये तो होल्ड कर रहा है, तो इसको हमने छोड़ दिया, ये तो सीधा सीधा बोर्ड के मेथड से सॉल्व किया, बस पास टू एन पास साइड. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए. क्लियर है यहां तक, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ये सीईटी में आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, फिर ऑप्शन ए बी डी बदल देंगे कि भाई डज नॉट होल्ड, वो कौन सा होल्ड करता है वो पूछेगा बस, देन व्हाट इज द कंडीशन, ये कंडीशन हमारा जो सिंपली ट्रू हो जाता है. अब इसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक, ओके. नाउ नेक्स्ट, अब ये तो ट्रू है, अब बाकी जो तीनों है इसमें देखिए कौन है ए एन बी एन प्लस 1, ए एन माइनस 1 बी एन माइनस 1 ए एन माइनस 1 जी एन, इस तरीके से, मतलब एन आगे बढ़ रहा है. अभी इसी फंक्शन को मैं अलग तरीके से लिखता हूं, अब ये जो गिवन फंक्शन डिफाइंड है, गिवन फंक्शन का जो इंटरवल है इट इज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब एन कैसा है इंटीजर नंबर है. अब जैसे हमने कंटिन्यूटी टू एन पर चेक किया, वैसे फंक्शन क्या बोला एफ इज कंटिन्यूअस एंड एफ इज फ्रॉम आर टू आर, इसका मतलब फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओवरऑल, मतलब थ्रू आउट द रियल
नंबर लाइन, सारे रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है ये दे दिया है। तो हमने ये जो पर्टिकुलर है तो एक पर्टिकुलर इंटरवल की हमने बात करी 2n-1 से लेके 2n+1। अब यही सेम फंक्शन आगे और बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा मतलब इस इंटरवल से आगे बढ़ेगा। अब इस इंटरवल से आगे बढ़ेगा मतलब यहाँ पर था ये n के लिए, अब n की जगह पर हो जाएगा n+1, ठीक है, n की जगह पर हो जाएगा n+1। तो कर रहे थे रिप्लेस n/n+1, ठीक है, रिप्लेस n/n+1। मैंने अभी फंक्शन को आगे बढ़ा दिया, ये ऑल n के लिए था, इसके आगे एक स्टेप चले गए n+1 के। अभी f of x क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर f of x इक्वल टू यही है पहला वाला, ये इधर हमने लिखाया इस तरीके से bn+, तो bn मतलब हो जाएगा bn+1 + cos 5x, ठीक है, एंड दिस इज फॉर व्हिच इंटरवल, x बिलोंग्स टू n की जगह पर क्या हो रहा है n+1, तो ये कौन है, ये कौन है 2n-1 है, तो 2 × n मतलब n+1 आगे -1, ठीक है, कितना आंसर होगा इसका 2n × 2 − 1 दैट इज +1, यहाँ पर हो जाएगा 2n+1 कॉमा आगे कौन है 2n, 2n मतलब क्या हुआ 2 × n+1 दैट इज नथिंग बट 2n+2, ठीक है, आगे यहाँ पर हो जाएगा 2n+2, ठीक। अब नीचे an+sin πx, सो इट इज an की जगह पर हो जाएगा n+1 + sin πx, एंड दिस इज अगेन फॉर x बिलोंग्स टू व्हाट क्लोज इंटरवल 2n, 2n मतलब कौन है 2 × n+1 मतलब 2n+2 और कॉमा आगे है 2n+1, तो 2n+1 क्या होगा 2 × n+1 + 1, n की जगह पर हमने n+1 लिया है, वी हैव रिप्लेस n/n+1, आप n-1 से भी कर सकते हैं, यू कैन आल्सो रिप्लेस n/n-1 उस तरीके से भी कर सकते हो, तो मैंने n+1 से क्या के लिए देखते हैं इससे करते हैं तो क्या होता है, तो 2 × n+1 + 1, तो ये हो गया 2n+2 + 1 मतलब हो गया 2n+3, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2 × 2n + 2 × 1 + 1 3। अब इस पर्टिकुलर इंटरवल में चेंज और कहां पर हो रहा है 2n+2 पर, चेंज और कहां पर हो रहा है 2n+2 पर, तो कंटिन्यूटी एट 2n+2 हो जाए, कंटिन्यूटी एट 2n+2 दैट इज ऑल्सो इंटीजर नंबर, ठीक, तो हो जाएगा एफ ऑफ 2n+2 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू 2n+2 एफ ऑफ एक्स, 2n+2 पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम हो, अब फंक्शन की वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, ये है एफ ऑफ एक्स 2n+2, ये दो फंक्शन है 2n+2 पे चेंज हो रहा है, फंक्शन के लिए कौन सा और लिमिट के लिए कौन सा, मैंने पहले बताया जो ओपन इंटरवल है इट इज फॉर लिमिट, जो क्लोज इंटरवल है इट इज फॉर फंक्शन, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है दिस इज फॉर फंक्शन एंड दिस इज फॉर लिमिट, तो फंक्शन के लिए नीचे वाला है, ठीक है, फंक्शन के लिए नीचे वाला है, तो एफ ऑफ 2n+2 मतलब एक्स की जगह पर हमें लेना है 2n+2, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा दिस इज ए n+1 + sin π × x, x मतलब 2n+2, ठीक है, ये हो गया f ऑफ 2n+2, x की जगह पर हमने 2n+2 ले लिया, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू 2n+2, और f ऑफ x कितना है अभी लिमिट के लिए ऊपर वाला मतलब bn+1 + cos π x, ठीक है,
अब सॉल्व करते हैं, तो दिस बिकम्स व्हाट, ए एन प्लस वन प्लस, नाउ साइन साइन, यहाँ से टू अगर हमने कॉमन ले लिए तो टू इन ब्रैकेट एन प्लस वन इंटू पाई इज इक्वल टू, इधर भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम बी एन प्लस वन प्लस कॉस पाई एक्स, तो हो जाएगा टू इन ब्रैकेट एन प्लस वन इंटू पाई। Now this is again even path, जहां से जो रिजल्ट आपको मिलेगा वही सेम रिजल्ट रहेगा, यहां से जो रिजल्ट मिलेगा सेम यही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन n प्लस वन में हो रिजल्ट किसमें होगा, n प्लस वन में, लेकिन दिस इज ए एन प्लस वन प्लस साइन इवन टू है ना, साइन इवन पाई मतलब साइन जीरो विच इज जीरो एंड इट इज इक्वल टू, यहां पर होगा बी एन प्लस वन प्लस cos इवन पाई मतलब cos जीरो विच इज नथिंग बट वन, अगर मैं बी एन प्लस वन इधर लेकर आऊंगा तो मुझे मिलेगा ए एन प्लस वन माइनस बी एन प्लस वन इज इक्वल टू वन, सो दिस इज अगेन वन मोर, यहां से जैसे हमें मिला है वैसे ये भी होल्ड करेगा, सो दिस इज बिकम द सेम थिंग बेसिकली बाय रिप्लेसिंग एन बाई एन प्लस। क्लियर, अब ये वाला जो ऑप्शन है आपके यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन दोनों भी इसमें नहीं है, लेकिन ये है एन माइनस वन वाला, ठीक है एन माइनस वन वाला है, तो हम एन माइनस वन वाला भी चेक करते हैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक क्लियर है यहां तक। अब इसी फंक्शन को आगे और बढ़ाते हैं, ये वाला कैसे क्लियर हुआ, जैसे हमने इधर निकाला दिस इज फॉर एट एक्स इज इक्वल टू एन, दिस इज एट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस टू, टू एन प्लस टू, अब टू एन और टू एन प्लस टू के बीच में एक होगा टू एन प्लस वन, वहां पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, सो आई एम राइटिंग डाउन दिस फंक्शन अगेन इन डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए फिर आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इस फंक्शन को आगे और बढ़ाता हूँ बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, चलिए इस फंक्शन को आगे और बढ़ाते हैं, दिस इज इक्वल, अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है एक स्टेप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये 2n माइनस 1 से लेके 2n तक आया, फिर 2n से लेके 2n प्लस 1 तक गया, अब मैं आगे जाऊंगा x बिलोंग्स टू, अब ये 2n प्लस 1 पर क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर हो जाएगा ओपन इंटरवल एंड 2n प्लस 1 कॉमा आगे कहाँ तक जाएगा 2n प्लस 2 तक, इसमें एक एक का डिफरेंस है, देखिए 2n माइनस 1 2n मतलब 2n माइनस 1 में प्लस 1 किया तो 2n हो गया, 2n में प्लस 1 किया तो 2n प्लस 1 हुआ, वैसे 2n प्लस 1 में प्लस 1 किया तो 2n प्लस 2 हो गया, हमने ऑलरेडी इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर ली बट हमें कुछ बेनिफिट मिला नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, हालांकि ये भी एक आंसर में हो सकता है कहीं ना कहीं पर, लेकिन ये वाला दिया नहीं है आंसर, सो लेट इट लीव इट। अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में भी देखना है 2n और 2n प्लस 2 के बीच में 2n प्लस 1 है,
यहाँ पर मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पर क्या फंक्शन होगा, इधर क्या फंक्शन होगा, ये मुझे जानना। ये फंक्शन तो डिफाइंड ही ऑलरेडी, दिस इज गिवन, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी गिवन। अब आगे जब मैं पढ़ूंगा तो आगे चेक कंटिन्यूटी है 2n+1, क्योंकि अब 2n+1 पर भी चेंज और होगा, क्योंकि यहाँ पर 2n+1 पर इक्वल है, मतलब क्लोज इंटरवल है। सो दिस विल बी यूज फॉर फंक्शन, और यहाँ पर 2n+1 पर ओपन इंटरवल है। सो दिस फंक्शन विल बी यूज फॉर लिमिट, ठीक है। लेकिन फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली फंक्शन यही होगा, फंक्शन जो होगा यही फंक्शन होगा। लेकिन इसमें यहाँ पर देखिए 2n-1 था, इधर 2n+1 है, यहाँ पर 2n-1 था, इसमें 2n+1 है, तो इधर n की जगह पर हो जाएगा n+1, क्योंकि जब मैं n की जगह पर n+1 करता हूँ तो 2n-1 का हो जाता है 2n+1, n की जगह पर जब मैं n+1 करता हूँ तो 2n का हो जाता है 2n+1, हमने देखा था, देखिए रिप्लेस n बाय n+1। तो जब हम रिप्लेस n बाय n+1 करते हैं तो उस केस में 2n जो है, इधर लिख लेता हूँ, रिप्लेस n बाय n+1, उस तरीके से हमें मिलेगा। तो यहाँ पर बी एन है, ये हो गया बी n+1 प्लस cos ix, आगे लिमिट कौन है 2n-1, ये कैसे आया इसे हमें समझना है, 2n-1 है, ठीक है, 2n-1, n की जगह पर क्या लेना है हमने n+1, तो ये कितना हो जाएगा 2 n+1-1, सो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 2 n 2 n 2 n 2 1 2 -1, दैट इज +1 जो यहाँ पर है 2n+1, ठीक है। और ये कौन है, ये 2n है, दूसरा आगे वाला लीजिए 2n, तो जब ये चेंज हम कर लेंगे n की जगह पर जब n+1 ले लेंगे, सो 2n विल बिकम 2 n 2 n+1, दैट इज नथिंग बट 2n+2, जो 2n+2 हमें यहाँ पर लिखा गया। सो व्हेन वी रिप्लेस n बाय n+1 इन द फर्स्ट फंक्शन ओनली, तो ये कंटिन्यूटी ऑफ 2n+1 पर भी हम चेक करेंगे, विल चेक कंटिन्यूटी ऑफ 2n+1, फंक्शन इधर बी एन की जगह पर हो जाएगा बी एन प्लस वन, बिकॉज वी हैव रिप्लेस n बाय n+1। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शन जो है 2n+1 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ कि f of 2n+1 is equal to limit x tends to 2n+1 f of x। अब f of 2n+1 कितना होगा, देखिए फंक्शन के लिए कौन सा लेना, हमने ऑलरेडी इधर लिखा 2n+1 में फंक्शन के लिए हमें ये फंक्शन आएगा, दैट इज नथिंग बट an plus sin pi x, सो इट इज an plus sin pi x, x मतलब 2n+1, which is equal to limit x tends to 2n+1, और f of x, limit के केस में फंक्शन हमें ये वाला लेना है, that is nothing but b n plus 1 plus cos pi x, let us find out the values, this is an plus, अब sin pi, 2n plus 1 कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, 2n+1 ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो हमें देखना है साइन ऑड पाई, साइन ऑड पाई कितना होता है, ऑड पाई यहाँ पर है, दिस इज पाई 3π 5π, ठीक है, पाई 3π 5π। अब यहाँ पर साइन फंक्शन इधर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है 0, तो ये साइन ऑड पाई विल बिकम 0 is equal to, इधर डायरेक्ट लिमिट डालना है हमने, तो गया b n plus 1 plus cos pi x, so pi into 2n+1, so this is cos r pi, so an plus 0 हो गया, an equal to b n plus 1 plus cos r pi, अब cos r pi कितना होता है, लास्ट में हमने देखा था cos even pi 1 होता है, लेकिन cos r pi यहाँ पर cos की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर cos की वैल्यू -1 होती है, तो cos r pi क्या हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा -1। अब bn plus 1 इधर आएगा, तो होगा an minus bn plus 1,
is equal to minus one. So हमें a एक रिलेशन मिला, which is nothing but a n minus b n plus one equal to minus one. चलिए ठीक है, option a भी मेरा hold करता है इसका मतलब. ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछेगा जरूर. अब मेरे पास बच गया बी डी, बी और डी ऑप्शन बच गए, बी और डी ऑप्शन बच गए. अब हालांकि हालांकि हमने जो पहला वाला लिया था, पहले जो हमने सवाल किया था, वहां से भी आप इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं. जो फर्स्ट हमने सवाल किया था ना, वहां से भी इजीली आंसर आप ढूंढ, जो हमने फर्स्ट सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड पैटर्न, क्योंकि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो चेंज ओवर पॉइंट पर फंक्शन और लिमिट की वैल्यू सेम होती है. ये कंसेप्ट यूज करके हमने सबसे पहले कौन सा प्रूव किया था, सबसे पहले हमने सी वाला प्रूव किया था, बराबर कि नहीं? सबसे पहले हमने सी वाला प्रूव किया था. अब इसी को यूज करके मैं प्रूव कर सकता हूं कि ऑप्शन बी ट्रू नहीं है. चलिए फिर दूसरे तरीके से भी देखेंगे, दो तरीके से हम देखेंगे कि ऑप्शन बी ट्रू नहीं है और ऑप्शन डी ट्रू है. हम चारों ऑप्शन की बात करेंगे. ये वाला एक ऑप्शन हमने सॉल्व किया बट इसमें नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है, अगले एग्जाम में हो सकता है कि यह ऑप्शन है डाल दिया जाए वहां. ठीक है, अगले एग्जाम में हो सकता है कि यह ऑप्शन डाल दिया जाए, तो ये भी हमें समझना है. और ये सारे ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस मतलब पर्टिकुलरली इस टाइप वाले जहां पर सेम सेम है ना, इधर भी एन प्लस वन इधर भी एन प्लस वन, इधर भी एन माइनस वन इधर भी एन माइनस वन, इधर भी एन इधर भी एन, तो ये सारे इसी से बन जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये जो हमें सॉल्व करना पड़ा दूसरी बार, ये सॉल्व करना पड़ा इस चीज के लिए, इन दोनों के लिए. ठीक है, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा, अभी आप सब देखो कैसे कट होता है. चलिए तो मैं इसे मिटाता हूं इस साइड पे. अब सबसे पहले हमने कौन सा प्रूव किया था, ऑप्शन सी प्रूव किया था सबसे पहले, मतलब ए एन माइनस बी एन इक्वल टू वन, ये हमने सबसे पहले प्रूव किया था, ए एन माइनस बी एन इक्वल टू वन. एंड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इफ दिस एवरीथिंग इज प्रूव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, देन वी कैन रिप्लेस दिस एन बाय आइदर एन माइनस वन और एन प्लस वन, दोनों तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ट्रू, बराबर. तो ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन, ये भी होगा वन, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ए एन प्लस वन माइनस बी एन प्लस वन, ये भी होगा वन, दिस इज ऑल्सो ट्रू. वी हैव रिप्लेस एन बाय एन माइनस वन, वी हैव रिप्लेस एन बाय एन प्लस वन, दैट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑल दिस थ्री थिंग्स आर ट्रू. और इसलिए मैंने बताया कि इधर जो हमने सॉल्व किया था उसमें हमें ये चीज मिली, ये चीज मिला था. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो. अब ऑप्शन बी देखिए अब क्या है, ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो. लेकिन हमने यहां से क्या प्रूव किया है कि ये एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन कितना होता है, वन होता है. जीरो होता है क्या, नहीं होता है. सो दैट इज योर आंसर, ये आंसर है आपका, डज नॉट होल्ड वाली जो केस है ये है, डज नॉट होल्ड. ये तो मैंने इसी ऑप्शन से बता दिया, हमने पहले ये ऑप्शन निकाला सबसे पहले, बस वही ऑप्शन से आप चेक करेंगे, वही ऑप्शन से अगर आप चेक करेंगे तो ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन जो है वन आना चाहिए, यहाँ पर कितना आ रहा है, जीरो. सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस डज नॉट होल्ड. ठीक है, अब अगर तो हमने पहले ऑप्शन से, अब मैंने ये सेकंड टाइम सॉल्व किया था, ये वाला प्रूव किया, ये वाला क्या प्रूव किया हमने, ए एन माइनस बी एन प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, बराबर. तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, लेट अस सॉल्व बाय दिस. इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन आई विल रिप्लेस एन बाय एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए एन है और यहाँ पर मुझे क्या चेक करना है, ये बोलिए या फिर ये बोलिए, दोनों भी चेक करना है. हालांकि मुझे मालूम हो गया कि बी आंसर है, लेकिन फिर भी ए एन माइनस वन इधर भी है, ए एन माइनस वन इधर भी है. तो व्हाट आई विल डू, I will replace this n by n minus 1. अब ये पूरे इक्वेशन में करना होगा,
So this is an, it will become a, n minus 1 minus b. n, n की जगह पर मुझे क्या करना है, n minus 1 लेना, n की जगह पर मैंने लिख दिया n minus 1 आगे और plus 1 भी यहाँ. This is b n plus 1, n की जगह पर n minus 1 और आगे plus 1. And this is equal to what? This is equal to minus 1. So हम करते हैं इसे, क्या हो जाएगा देखिए, n minus 1 minus, अब minus 1 plus 1 कट हो गया, b n is equal to minus 1. तो ये a n minus 1 minus b n is equal to minus 1, this is also true. Obviously फिर जो बच गया वो फॉल्स है. पहला हमने सीधे सीधे किया था, दूसरा हमने ये कहा से प्रूव किया, इस फंक्शन को हमने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, फंक्शन को हमने कंटिन्यू कर दिया 2n plus 1 के आगे. फिर हमने चेक किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया, मतलब कि ऑप्शन ए मिल गया. फिर ऑप्शन ए में वी हैव रिप्लेस्ड n बाय n माइनस 1, तो ऑप्शन डी भी मिल गया, लेकिन ऑप्शन बी मिला नहीं, इसलिए यह आंसर हमारा नहीं हो सकता. दूसरा तरीका क्या है, हमने सबसे पहले ये प्रूव किया था ए एन माइनस बी एन इक्वल टू 1, तो भाई ए एन माइनस 1 माइनस बी एन माइनस 1 वो भी 1 ही होगा, 0 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता. क्लियर? सो वी आर एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर. और कुछ आपके डाउट्स अगर है तो पूछिए, मीटिंग एंड होने में है, कभी भी मीटिंग एंड हो सकती है, तो अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. और